स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट हो रही है और जैसे हम टोटल ले रहे हैं तो फुल रेस ले रहे हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये मेरे पास हीरो होंडा की सिटी डॉन आई हुई है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर लिए हैं और ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गई है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही हम टोटल हल्का से लेते हैं गाड़ी बंद हो जाती है, और जैसे ही हम टोटल हल्का सा लेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये गाड़ी बंद हो गई, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमको इसका जो है फ़िल्टर चेक करना चाहिए, क्योंकि जब एयर नहीं पास होती है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इसका पूरा फ़िल्टर खोल करके चेक कर लेते हैं। तो इसका फ़िल्टर खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फ़िल्टर हम पूरा ये खोल लेंगे और फ़िल्टर खोलने के लिए सारे पेज खोलने पड़ते हैं, जितने पेज लगे हुए हैं सारे पेज खोलने पड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये फ़िल्टर भी खोल लिया और फ़िल्टर हटा कर लेते हैं, और हटाने के बाद अब हम स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करके हम देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये एयर फिल्टर भी हमने खोल लिया है और चाबी ऑन करके इसको फिर से स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एयर फिल्टर खुला हुआ है और चाबी ऑन है, और जैसे ही हम एक्सीलेटर लेते हैं ये गाड़ी बंद हो जा रही है। इसका मतलब हमारा एयर फिल्टर से भी ये प्रॉब्लम नहीं है, एयर फिल्टर की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसका देखते हैं करंट, ठीक है दोस्तों। अगर करंट प्रॉपर आ रहा है फिर भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर करंट मान लो प्रॉपर नहीं आ रहा है फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम खोल लेते हैं, स्पार्क प्लग खोल लेते हैं, और स्पार्क प्लग खोलने के बाद इसका करंट भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्पार्क प्लग खोल लेंगे। तो दोस्तों अगर करंट की प्रॉब्लम होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको अगर कभी भी करंट चेक करना है तो स्पार्क प्लग खोल के चेक करें, तो क्योंकि ये हाथ से भी किक लग सकती है, और अगर स्पार्क प्लग नहीं खुला होगा तो आपको पैर से किक मारनी पड़ेगी, प्रॉपर किक नहीं लग पाती। जैसे आपको हाथ से पहले स्पार्क प्लग खोल लेना है प्लग रिंग से, और उसके बाद करंट चेक करना है। तो हम स्पार्क प्लग ये खोल लिए, आप करंट चेक करते, करंट किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है स्पार्क प्लग, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट में आपको देखना है, और ये स्पार्क प्लग जो है इसमें ऐसे फिट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी में कहीं भी अर्थिंग दे देना है, ठीक है दोस्तों। और फिर किक मार के चेक करना है। तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करंट है वो प्रॉपर सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे करंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो भी ये मतलब गाड़ी में करंट की प्रॉब्लम आएगी, और ये मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम करंट की वजह से नहीं है, क्योंकि करंट भी इसका प्रॉपर बना रही है। तो दोस्तों इसका इसका स्पार्क प्लग हम लगा देते हैं, और स्पार्क प्लग लगा दिया, और स्पार्क प्लग इसका बिल्कुल ठीक था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से हमने स्पार्क प्लग जो इसका स्पार्क प्लग का जो पॉइंट था वो बिल्कुल सामने करंट दे रहा था, इस वजह से हमने इसको प्रॉपर लगा दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम तीसरा स्टेप क्या चेक करेंगे, इसका जो जेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो जेड चेक करेंगे तो जेड कैसे खोल के चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जेड इसका हम खोल लेते हैं। तो जेड कहाँ लगा होता है दोस्तों, जेड इसमें लगा होता है कार्बोरेटर में, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों बोल्ट खोल लेंगे, एक ये वाला खोल लेंगे और एक ये वाला खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये उससे इस तरीके का अगर टूल होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरीके से हम इसको यहाँ से ढीला कर लेते हैं। तो इसे हम ढीला कर लिए, और पूरा कार्बोरेटर नहीं खोलेंगे, अगर पूरा कार्बोरेटर खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये जेड खोलने के लिए तो दोस्तों इसको हम खोल लिए, ठीक है दोस्तों। ये हम ये अलग कर देंगे, और इसका जो पेट्रोल है ये भी हम वापसी कर देंगे इसमें। तो ये पेट्रोल भी इसका हम वापसी इसमें डाल देंगे टंकी में, तो इसे हम डाल देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे इसको हमने खोला, ये गिलासी जो है हमने खोली, और ये गिलासी हमने खोली तो इसमें खोल करके हमने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों जैसे ही इसको हमने खोला तो इसका जो ये वाला जेड होता है ये बिल्कुल लूज पड़ा हुआ था, ये देखिए बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल हाथ से खुल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हाथ से खुल जा रहा है इस वजह से इसमें जो है मिसिंग हो रही थी, ठीक है दोस्तों। जैसे एक्सीलेटर ले रहे थे और मिसिंग गाड़ी कर रही थी, तो ये स्क्रू की वजह से कर रही थी, ये जो लूज हो गया था इस वजह से कर रही थी।
तो दोस्तों ये मिसिंग जो हो रही थी ये स्क्रू की वजह से हो रही थी, ये स्क्रू बिल्कुल लूज हो गया था जैसे इसमें मिसिंग आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जब हमने इसको खोला तो खोल के क्या देखा कि इसको बिल्कुल ये लूज था, इस वजह से मिसिंग ये हो रही थी। और ये मिसिंग जैसे हम एक्सीलेटर ले रहे थे तो इसमें पेट्रोल जो है अच्छे से नहीं जा पा रहा था, जब पेट्रोल अच्छे से नहीं जा पा रहा था तो गाड़ी बंद हो जा रही थी। अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरीके के एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी बंद हो रही है तो सिंपल से आपको क्या करना है, खाली कार्बोरेटर खोल लेना। और कार्बोरेटर खोलने के बाद आपको क्या करना है कि इसका ये जो बड़ा वाला नट होता है, ये जेड होता है बड़ा वाला, इसको आपको खोल लेना। खोलने के बाद इसके जो अंदर के ये है इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ये ग्लासी खोल करके नीचे से। अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो क्या करना, आपको ये जो बड़ा वाला जेड होता है इसको आपको चेक करना है कि अगर ये लूज है कि नहीं। अगर ये लूज होता है तो इसको आप अच्छे से टाइट कर लीजिए, और टाइट करने के बाद आप इसको फिट कर देंगे। तो दोस्तों इसको हमने टाइट कर दिया अच्छे से, और पेचकस से भी टाइट कर देंगे, और पेचकस से टाइट करने के बाद फिर इसको हम फिट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की जो प्रॉब्लम है मिसिंग वाली प्रॉब्लम सही हुई है कि नहीं। सही हुई प्रॉब्लम है, 100% सही हो गई होगी। तो इसे हम टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हमने पूरा ये टाइट कर दिया, और जैसे ही ये टाइट कर देंगे इसको फिर पूरा फिट कर देंगे और गिलासी लासी सब लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे दोस्तों कि गिलासी कैसे लगेगी। तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा उधर साइड आएगा और छोटा वाला जो हिस्सा है वो इधर साइड आएगा। तो इसे हम फिट कर लेते हैं, फिट करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों इसको हमने पूरा फिट कर लिया, आप फिट करके गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और जैसे हम टोटल ले रहे हैं तो फुल रेस ले रहे हैं। और दोस्तों पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये देखिए फिल्टर भी फिलहाल खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ही हम एक्सीलेटर टोटल इसका खींच रहे थे, जैसे एक्सीलेटर ले रहे थे वैसे ही गाड़ी बंद हो जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इसी तरीके से सही कर लीजिएगा। और दोस्तों ये पेच जो होता है कार्बोरेटर का, ये जो इसका गिलासी का जो जेड होता है, वो कार्बोरेटर का जो जेड होता है वो क्यों ढीला हो जाता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग सर्विस करते हैं और सर्विस करने में वो हल्का सा लूज हो जाता है, या फिर गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट होती है तो वो जेड का जो स्क्रू जेड होता है वो लूज हो जाता है, जैसे ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग क्या क्या का प्रॉब्लम देखते हैं, क्या क्या सही करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों की प्रॉब्लम, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सिंपल से आपको फ़िल्टर साफ़ करना है, फ़िल्टर चेक करना है, फ़िल्टर हटा के चेक करना है, उसके बाद स्पार्क प्लग चेक करना है। स्पार्क प्लग में भी अगर करंट प्रॉपर आ रहा है, बीच पॉइंट पे आ रहा है, तो फिर भी आपको अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो एक बार ये कार्बोरेटर जरूर चेक कीजिए, और कार्बोरेटर के दोनों जेड चेक कीजिए टाइट करके और साफ़ करके चेक कीजिए। अगर टाइट करके साफ़ करके आपकी 101% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।